So hello guys, this is the episode 3. We have just reached Jagatsuk. So there is the Gayatri Mata temple here. I'll show you this. So here we are walking towards the temple. This is the main entrance. Public is not allowed inside, as it's mentioned here. See how the temple is made. सो हेलो एवरीवन, ये हैं यहाँ के पुजारी जी मिस्टर घनश्याम शर्मा जी। सो ये हमें बताएंगे कि मंदिर कौन से देवता का है और इसकी क्या हिस्ट्री है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम घनश्याम शर्मा, गायत्री माता के पुजारी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, पांडवों के समय का है। लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय जब पांडव हिमालय में इधर विचरण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अज्ञातवास का जब एक वर्ष का था उनका, तो उस समय उन्होंने कई जगह मंदिर निर्माण किया था। उसमें से गायत्री मंदिर भी उनके द्वारा ही निर्माण किया गया था। जो भी पत्थर का काम है सारा उसी समय का है। तब से लेकर उन्होंने माता की आराधना की थी और माता स्वयं प्रकट होके उनको दर्शन दिए थे, तब से ही ये मंदिर भूतकाल से चल रहा है। लेकिन जो लकड़ी का काम है, ये जैसे भी प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाता तो लकड़ी का काम गांव वाले मिलकर दोबारा से करते हैं। अभी भी लगभग 30 वर्ष पहले ये सारा काम हुआ था, जो भी लकड़ी का काम आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार है, और साथ में शिव का टेम्पल भी है इसके। तो अभी हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं, दैट इज शिव मंदिर। ये भी एक प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल एग्जैक्ट गायत्री मंदिर के बैक साइड में है। हेलो ये शैली भी प्राचीन है। इसकी जो मील डिटेल्स है मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ।
मंदिर की परिक्रमा पूरी नहीं करता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। हिमाचल में थोड़ा होता है कि हम मंदिर के अंदर से नहीं करेंगे फोकस। सो ये देखिए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये मंदिर के बारे में है। सो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ अभी अलेव से देवता आ रहे हैं, डेटी फ्रॉम विलेज अलेव।
ज़्यादा मिलता है।